माइक्रोमैक्स ने एक बार फिर से कमबैक कर ली है। माइक्रोमैक्स इनटू लॉन्च हो गया है। एक तो ये लोग ना हर साल कमबैक करते हैं, या तो बॉबी देओल कमबैक कर रहा है या फिर ये लोग कमबैक कर रहे हैं, इसके अलावा और किसी की कमबैक तो हो नहीं पा रही। खैर, इनटू जो है ये एक बजट स्मार्टफोन है, कंपीट करता है ये जो शाओमी की नोट सीरीज आती है रेडमी वाली उसके साथ, या फिर जो रियलमी के फ़ोन आते हैं उनके साथ कंपीट करता है। प्राइस मुझे इस वक्त नहीं पता, लेकिन बजट कैटेगरी में होगा, 13-14 हज़ार रुपये के आसपास रहने की उम्मीद है। एग्जैक्ट प्राइस जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। पर इस फ़ोन की आज अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके फीचर्स वगैरह के बारे में बात करेंगे और देखेंगे भाई कि क्या वाकई में आपको अब माइक्रोमैक्स का फ़ोन खरीदना चाहिए या फिर जो दूसरे ऑप्शंस हैं उन्हीं पर रहना चाहिए। तो आप देख रहे हो फाइबर हिंदी, मेरा नाम है मानस तिवारी। तो इससे पहले फ़ोन का डब्बा खोलें, इसके फीचर्स के बारे में बताएं। भैया अगर नए आए हो फाइबर हिंदी पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बड़ी मेहनत से वीडियोस बन रही हैं। हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको भी जाकर फॉलो कर लो, काफ़ी सारे गिव अवे भी हो रहे हैं, नए नए फॉर्मेट्स भी हम लोग वीडियोज़ के यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। और अब फ़ोन की बात करते हैं, और फ़ोन की बात करने से पहले देख लेते हैं कि आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तो जो बॉक्स है वो बड़ा यूजुअल सा माइक्रोमैक्स का जो बॉक्स होता है, ऊपर इंडिया का इन्होंने झंडा बना दिया है और इन फॉर इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है। बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको मिल जाता है फ़ोन, और फ़ोन जो है दो अलग अलग कलर ऑप्शंस में आता है, ब्लैक और ब्राउन। मेरे पास जो वेरिएंट आप इस वक्त देख रहे हो यहाँ पर ब्राउन कलर वाला वेरिएंट है। और पहली चीज़ जो इस फ़ोन को देखकर दिमाग में आती है कि भैया कॉपी मार लिया, जो सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज़ का डिज़ाइन था, अभी हाल फिलहाल में हमने OnePlus 9RT पर भी देखा था, वो सेम डिज़ाइन आपको यहाँ पर माइक्रोमैक्स अब इस फ़ोन के ऊपर दे रहा है। क्या डिज़ाइन की बात करेंगे, इसके अलावा आपको बॉक्स के अंदर एक पाउच मिलता है, जिस पाउच में आपको मिल जाता है एक सिलिकॉन केस, आपको एक क्विक स्टार्ट गाइड मिल रही है और एक स्क्रीन प्रोटेक्टर भी यहाँ पर आपको माइक्रोमैक्स दे रहा है, जो आप अलग से अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपको मिल रहा है एक चार्जर, 30 वॉट का ये चार्जर है, और साथ साथ आपको मिल रही है USB 2 Type-C चार्जिंग केबल। तो ये रहा फ़ोन मेरे हाथ में इस वक्त, और जैसा मैंने आपको बताया डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है सैमसंग और OnePlus वाले फ़ोन से। अब वो फ्लैगशिप फ़ोन थे, उनकी बिल्ड क्वालिटी अलग थी, इसलिए वहाँ पर बहुत बढ़िया लगती थी, यहाँ पर उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। आपको पता चलता है कि फ़ोन काफ़ी सस्ता है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा सस्ती है। जो रेयर पैनल है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी है, बहुत रिफ्लेक्टिव है, फिंगरप्रिंट स्मजेस भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जो कैमरा मॉड्यूल है, जो उसका ओवरऑल फिनिश है, वो फिर ही थोड़ा सा बेटर है, बट अदरवाइज ऐसा कुछ स्टैंड आउट नहीं करता। नीचे आपको यहाँ पर लिंक्डइन का लोगो मिल जाता है, मतलब माइक्रोमैक्स इन का लोगो मिल जाता है, जो काफ़ी हद तक लिंक्डइन जैसा ही लगता है, बट ये आपको देखने को मिल जाता है। जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो आपको साइड में दिया गया है पावर बटन के ऊपर, चलो आपको मिल रहा है, बढ़िया बात है, बाकी फेस अनलॉक भी ये फ़ोन सपोर्ट करता है। नीचे आपको मिल जाता है टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, एक आपको 3.5 mm हेडफोन जैक दिया गया है, और एक ही स्पीकर है, डुअल स्पीकर्स नहीं है, एक स्पीकर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। सिंगल वेरिएंट में ये फ़ोन आता है, 4GB रैम, 64GB आपको स्टोरेज मिलती है। जो स्टोरेज है वो एक्सपैंडेबल है, इसे आप 256GB तक एक्सपैंड कर सकते हो माइक्रो SD कार्ड यूज़ करके। डुअल सिम सपोर्ट है, 5G सपोर्ट नहीं करता ये फ़ोन। MediaTek Helio G95 प्रोसेसर के साथ आता है, जो 5G सपोर्ट नहीं करता, तो वो एक मिस है। हालांकि ये है कि इस प्राइस पॉइंट पे आपको 5G फ़ोन एनीवे अभी भी देखने को नहीं मिलते, ज़्यादातर जो 5G फ़ोन हैं 15,000 रुपये के ऊपर ही आते हैं। डिस्प्ले की बात करूँ, 6.43 इंच का आपको यहाँ पर फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है। डिस्प्ले साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, मतलब वो 6.6-6.7 नहीं है, जिस वजह से जो फ़ोन की ओवरऑल इन हैंड फील है वो थोड़ी सी बेटर है, फ़ोन हाथ में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लगता, ये एक अच्छी बात है। डिस्प्ले जो है वो 60Hz पर ही रन करता है, 90 या 120Hz का आपको यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिल रहा, विच इज़ अगेन इज़ अ मिस, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर हाई रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाते हैं। ब्राइटनेस जो है वो 550 nits से अगेन थोड़ी सी कम है पीक ब्राइटनेस, अगर आप इंडोर यूज़ कर रहे हो तो इतना डिफरेंस नहीं पता चलेगा, बाहर जाओगे तो वहाँ आपको डिफरेंस थोड़ा सा देखने को मिलता है। जो कॉन्ट्रास्ट लेवल्स वगैरह हैं वो ठीक है, अगर आप वीडियोस वगैरह देख रहे हो उसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, थोड़ा एक्सपीरियंस बेटर हो सकता था, बट मैं कंप्लेन नहीं करूँगा। वाइड वाइन L1 सर्टिफिकेशन आपको मिल रहा है, तो फुल HD वीडियोस आप यहाँ पर आराम से स्ट्रीम कर सकते हो। देखो, अब कहने के लिए माइक्रोमैक्स आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दे रहा है, बट आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल रहा है, जो थोड़ा सा पुराना हो गया है और उतना ज़्यादा मतलब सॉलिड नहीं है एज़ कम्पेयर टू CG5 या फिर अब तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस भी आने लग गया है फ्लैगशिप फोन में। बट अगर आपको फिर भी कुछ सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए तो वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अगेन आपको यहाँ पर एंड्रॉयड आर मतलब स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्री इंस्टॉल्ड एप्स नहीं है, विच इज़ गुड टू सी।
बट जो मैंने फ़ोन यूज़ किया तो थोड़ा सा जो UI है वो लैगी है, बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है। जब आप मेन्यूज़ के बीच में टॉगल कर रहे हो या फिर आप कोई ऐप वगैरह लोड कर रहे हो, ऐप लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेती है, आपको पता चलता है कि हल्का सा जर्क भी आता है ओवरऑल UI के अंदर, तो वो थोड़ा सा जो है एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा प्लेजेंट नहीं है। बट आपको एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, क्लीन आपको स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस यहाँ मिल जाएगा। कैमरा की बात करें, चार कैमरा आपको पीछे मिलते हैं, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल है, 2 मेगापिक्सल का एक बुके असिस्ट या जैसे डेप्थ सेंसर बोलते हैं वो आपको मिल जाता है, और एक 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो लेंस भी मिल रहा है, और 16 मेगापिक्सल का जो है आपको सामने की तरफ सेल्फी शूटर मिल जाता है। कैमरा परफॉर्मेंस अगेन बहुत ज़्यादा मिक्स्ड है, थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड भी हूँ क्योंकि जो आप देखोगे फोटोज़ वगैरह की जो कलर एक्यूरेसी है उतनी बढ़िया नहीं है, डिटेलिंग जो है वो भी थोड़ी सी ऑफ है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स देखने को नहीं मिलते। एक जो सेवियर है यहाँ पे वो समवट आपकी इमेज प्रोसेसिंग है, जब आप फोटोज़ लेने जाते हो तो आपको जो स्क्रीन पर दिखता है विजुअल वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, बट इवेंचुअली जो आपकी पिक्चर निकल के आती है वो फिर भी ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाती है। एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पर नोटिस करी कि जो AI मोड है वो बहुत ज़्यादा आपकी पिक्चर्स के जो कलर्स हैं उनको बूस्ट कर देता है। आप सामने देख सकते हो स्क्रीन पर कि जो नॉर्मल फोटो है वहाँ पर जो बिल्डिंग का कलर है वो बिल्कुल अलग है एज़ कम्पेयर टू जो AI मोड ऑन करके हमने फ़ोटो ली है, वहाँ पर बिल्कुल ही ज़्यादा आपके कलर्स को बूस्ट कर दिया गया है, चाहे वो पेड़ हो चाहे बिल्डिंग हो हर एक चीज़ को, और ये आपको नॉर्मल फोटोज़ में भी देखने को मिलता है। कई कई बार अगर आप AI मोड ऑफ भी रखते हैं तो भी कुछ कुछ फ़ोटोज़ में आपको जो है कलर्स काफ़ी ज़्यादा बूस्टेड मिलते हैं। पोर्ट्रेट मोड इंप्रेसिव है, वहाँ पर आपको अच्छी फोटोज़ देखने को मिल जाती है। वाइड एंगल कैमरास में बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हूँ, वहाँ पर जो पिक्चर क्वालिटी है बहुत ही ख़राब देखने को मिलती है, और फील्ड ऑफ व्यू भी जो है वो भी कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं है। मैक्रो कैमरा जिन लोगों को आता है यूज़ करना वो काम में ले सकते हैं, मेरे से कभी इस्तेमाल हुआ नहीं तो मेरे लिए तो यूज़लेस ही है। फ्रंट कैमरा फिर भी ठीक है, यहाँ पर स्किन टोन्स जो है वो थोड़ी सी अगेन ऑफ है, आप मेरा अगर स्किन देखोगे तो वो पीच से ज़्यादा पिंक साइड पर जो मेरी स्किन है वो देखने को मिलती है, बट अदरवाइज़ आप सेल्फीज़ भी पोर्ट्रेट मोड में ले सकते हो, विच इज़ अ वेलकम मूव। 4K वीडियोज़ भी ये फ़ोन सपोर्ट करता है। लास्टली बैटरी की बात करूँगा, आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 30W का चार्जर है, तो अगेन आपको थोड़ा बहुत फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सो बैटरी डिपार्टमेंट में आई थिंक इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से आप यू आर मोर और लेस कवर्ड कि आपकी जो बैटरी है बहुत जल्दी ड्रेन भी नहीं होगी और आपको ठीक ठाक फास्ट चार्जिंग एबिलिटी मिल जाती है। अब जो इनिशियल इंप्रेशंस हैं इस फ़ोन के, बेसिकली देखिए अभी मैंने बहुत कम देर के लिए फ़ोन इस्तेमाल किया है और इस प्राइस पॉइंट में मुझे अभी भी लगता है कि Xiaomi और Realme माइक्रोमैक्स से बेटर आपको फ़ोन बनाकर दे रहे हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो इन नोट 1 आया था, जो इस फ़ोन से पहले आया था, उसमें अभी तक आपको सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिला है, और यहाँ पर भी माइक्रोमैक्स ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है कि कितने साल तक और कब तक आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा। सिक्योरिटी अपडेट्स वो कह रहे हैं कि आपको रेगुलर मिलते रहेंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट कब आएगा पता नहीं है, तो ये आपको एक चीज़ फैक्टर इन करनी पड़ेगी। अब बिल्ड क्वालिटी जो है वो ओके है बट इट्स नॉट वेरी प्रीमियम, ऐसा नहीं लगता कि आप कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम फ़ोन अपने हाथ में इस वक्त यूज़ कर रहे हो। सो ओके चॉइस है जिन लोगों के लिए जिनका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, स्पेसिफिकली एक इंडियन कंपनी का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन माइक्रोमैक्स को अभी भी थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है Xiaomi, Realme, Samsung, बाकी दूसरे ब्रांड्स के साथ कंपीट करने के लिए। खैर पूरा रिव्यू भी आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आएंगे, ये तो हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, बाकी देखते रहिए फाइबर।